और चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई है और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर गोला और नंधौर नदी में बारिश में तटबंध और बह जाने से मामला जिला अधिकारी उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो सड़क पिछले दो दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई है, जिसमें ये खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित हुई हैं कि सड़क के गड्ढे के कारण एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई है, उसमें मजिस्ट्रेट जांच का हम लोगों ने ऑर्डर किया है। मजिस्ट्रेट जांच में यदि ये लापरवाही विभागीय सामने आती है तो संबंधित विभाग पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। साथ ही जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो, क्योंकि बरसात के बाद जनरली सभी विभाग प्रारंभ करते हैं, तो हमने सभी विभागों का, सभी सड़क एजेंसीज का गड्ढा मुक्ति प्लान अगले 2 माह का कल ही तलब करवा लिया था। तो उसमें विभागों के द्वारा जो कार्य योजना दी गई है, इसमें यह अवगत कराएगी कि सभी डिपार्टमेंट सभी खंडों के टेंडर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पैचवर्क प्रोग्राम की जो 25 तारीख को टेंडर खुलने हैं, उसके बाद गड्ढा मुक्ति का जो पैच रिपेयर का जो अभियान है सड़कों पर, वो शुरू कर दिया जाएगा।